अभी जो बताने जा रहे हैं इसको हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन अभी केवल ऊपर ऊपर इंट्रोडक्शन देखिए। वेद जो है ना, वेद कोई एक बुक नहीं है, इसमें बहुत सारे बुक्स आते हैं ना। अब वेद जैसे हम लोग जानते हैं चार है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद, अथर्व। जैसे ऋग्वेद होगी तो ऋग्वेद भी एक बुक नहीं होगी, इसकी चार बुक होगी ना। कौन कौन से पता है किसी को? पता है कि नहीं को तो बताइए। तो वो संहिता, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सीक्वेंस में पूछ देता है इसको जी बहुत पहले सर। पूछा और बहुत पहले बहुत बार पूछा गया ना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, जितने भी वेद होंगे हर वेद का क्या होगा, संहिता भाग होगा। मतलब ये अपने में एक बुक है, ऐसा नहीं समझिएगा ना, ये अपने में एक बुक है, ये भी अपने में एक बुक है, ये भी अपने में एक बुक है, और ये भी अपने में एक बुक है। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है ब्राह्मण भाग बहुत सारे हो ना, एक ही बुक नहीं होगा, हो सकता है आरण्यक भी बहुत हो, उपनिषद भी बहुत हो ना। ठीक उसी तरीके से यजुर्वेद का भी होगा, सामवेद का भी होगा, अथर्ववेद का भी होगा, लेकिन संहिता भाग जो है ना ये एक ही होगा। और इसमें क्या होता है, मंत्र होते हैं सारे, जितने भी मंत्र भाग होते हैं ना, किसी भी वेद का जो मंत्र भाग होगा उसको हम लोग संहिता बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होते हैं, इसी मंत्रों के कर्म कांड ना, जैसे अगर वहां पे कोई मंत्र लिखे हैं हवन काल से, तो उस प्रैक्टिस को कैसे परफॉर्म करेंगे वो आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेंगे ना। कर्म कांड से ये बेसिकली संबंधित होते हैं ये दोनों, और ये दोनों क्या होते हैं, ज्ञान कांड से, ज्ञान कांड से ना। ओके, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं उपनिषद की। तो उपनिषद क्या होगा कि जो इसमें कर्म कांड बताए हैं उन्हीं को ज्ञान कांड में ब्रीफ करके बहुत अच्छे से समझाया गया है हर एक उपनिषद में ना। तो जब हम लोग प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये तीनों इसलिए आते हैं क्योंकि ये तीनों अपने आप में ज्ञान कांड पे ही बेस्ड है ना। गीता की, उपनिषद की और ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं तो ये तीनों ज्ञान कांड पे ही बेस्ड है। इसलिए उपनिषद में क्या बताया जाता है कि पूरे वेद का सार है ना। अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं, हालांकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको भी इसको भी इसको भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप केवल उपनिषद का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको पूरे वेद का सार पता चल जाएगा। अब अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद इन तीन शब्दों से बना ना, उप, नी और शब्द। उप मतलब होता है निकट, नी मतलब जानना, टू नो, और सद मतलब बैठना, मतलब निकट आकर बैठना। किन के निकट आकर के बैठना, गुरु गुरु के, के निकट, गुरु के निकट। गुरु के निकट, और वैसे गुरु जिन्होंने उस ज्ञान को मतलब समझ लिया है, समझ मतलब महसूस कर लिया है, उसको रियलाइज कर लिया ना। रियलाइज सही वर्ड होगा ना, रियलाइज और जानना और रियलाइज करने में अंतर है ना, रियलाइज। ओके, इसी को हम लोग उपनिषद बोलते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में पहला उपनिषद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा। ईशावास्य उपनिषद, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक उपनिषद, यहाँ पे बताया ना मैंने कि जो उपनिषद रहेगा, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे उपनिषद है ना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि संहिता, एक सेकेंड, आरण्यक। अब देखिए उपनिषद में जनरली क्या मिलता है, मैंने बताया ना कि वेदों को एक्सप्लेन किया गया। अब हो सकता है उपनिषद आपका संहिता भाग से भी हो सकता है, संहिता भाग के कुछ मंत्रों को ब्रीफ कर दिया गया हो, या ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ मंत्रों को ब्रीफ कर दिया हो, या आरण्यक के कुछ मंत्रों को ब्रीफ कर दिया गया हो ना। लेकिन जब आप ईशावास्य उपनिषद की बात करते हैं तो ये क्या है, संहिता भाग का है, संहिता भाग का। और कौन से, यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित है आपका ईशावास्य उपनिषद। अब यजुर्वेद को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कृष्ण और शुक्ल। अब आप मुझे ये बताएं कि जितने भी उपनिषद अभी तक हम लोगों ने पढ़े यूनिट 3 के अंतर्गत, तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन से उपनिषद थे? योग कुंडल उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद और श्वेता श्वेतर उपनिषद।
और शुक्ल में भी कुछ था क्या? तिरुपति। सप्तशिखी ब्राह्मण उपनिषद। बहुत अच्छा। अगर आप आंसर नहीं दिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो चीजों को रिवाइज करते रहिए। ये जवाब इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बार 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 ये बातें बुलवाई थी। एनीवे, अब बात करते हैं यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद की ना। तो ईशावास्य उपनिषद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का कांडव शाखा। ध्यान से सुनिएगा, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें कुल 40 अध्याय हैं। हाँ, 40 अध्याय, जैसे 1 2 3, यहाँ गया 40वां अध्याय। और इन जो 40वां अध्याय है इसी को हम लोग ईशावास्य उपनिषद बोलते हैं। और इस ये कौन सी शाखा है? कांडव शाखा। कांडव शाखा, तो अगर ईशावास्य उपनिषद का पूरा परिचय सुन लीजिए, या शुक्ल यजुर्वेद की कांडव शाखा के अंतर्गत जो 40वां अध्याय है उसी को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो क्लियर है सभी को? ओके, सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखिएगा, इसमें 18 मंत्र हैं। अभी तक हम लोग जितने भी उपनिषद पढ़े मैंने आपको मंत्र नहीं याद करवाए, लेकिन जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो उस चीज को धीरे 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 जरूर याद कर लेंगे ना। अभी उसकी उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप याद करेंगे अभी तो भूल ही जाएंगे, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो एक्स्ट्रा उस समय ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, इसमें कुल 18 मंत्र हैं ये याद रखिएगा। और ये पहला उपनिषद ऐसा कहा जाता है कि ईशावास्य उपनिषद पहला उपनिषद है, और ये टोटली ज्ञान कांड पे बेस्ड है। तो जैसा मैंने बताया ना कि उसमें 40 जो अध्याय हैं, तो 1 से 39 जो है वह कर्म कांड पे बेस्ड है, लेकिन जो 40वां अध्याय है वो ज्ञान कांड से या ज्ञान कांड पे बेस्ड है। अब जो इसमें पहला वर्ड ही आता है, क्या लिखा हुआ? ईशावास्य मिदम सर्वम। तो जो पहला वर्ड है इसी वर्ड के चलते इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ गया। हाँ, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब आइए हम लोग उपनिषद को शुरू करते हैं। तो जैसा इसमें टोटल 18 मंत्र है, तो पहला मंत्र जो है क्या बोला गया कि ओम ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्ते न भुंजीथा मा गृध कस श्विद धनम। बहुत अच्छा लाइन है, और अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से समझेंगे ना, तो आप गीता का एक तरीके से मान लीजिए पूरा समराइज फॉर्म है ना यहाँ पे। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या बोला? ओम ईशावास्य मिदम सर्वम। ईशा मतलब ईश्वर का वास्य है, किसमें? सर्वम, सभी कुछ में, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, या आपके अगल बगल जो कुछ भी दिखाई दे रहा, चाहे आपकी वो पेन हो, चाहे बुक हो, चाहे आपके घर का कोई सदस्य हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सब चीज में ईश्वर का वास है ना। और यही बात प्रहलाद ने कहा था कि इस खंबे में भी भगवान है ना। तो आपकी चक्षु सर से एक तो, प्रकार के सर एनर्जी भी कह सकते हैं। हाँ अभी उस चीज पे हम आएंगे। और जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई देता है अभी के लिए, हर चीज में क्या है? ईश्वर का वास है। अब इसी चीज को हम लोग साइंस में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ना। और जब आप अपने बॉडी की बात करते हैं या हड्डियों की बात करते हैं, तो जो ईड़ा और पिंगला बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ईड़ा को मेंटल एनर्जी और पिंगला को वाइटल एनर्जी या प्राण शक्ति, इसको चित्त शक्ति बोलते हैं, यही दोनों को ना। और फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको? मैटर एंड एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, मैं हठियोग का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है? और जो आइंस्टीन है ना, जो बोलते हैं ना ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो इसी चीज को डिफाइन करता है, मैटर और एनर्जी की। मतलब क्या बोला है कि अगर मैटर में, यहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ना। तो अगर क्या होगा कि मैटर को स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से अगर उसको भगाया जाए, तो उसमें क्या होगा? वो एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब एकदम वो गायब हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को आप लाइट के स्पीड से लेकर के जाएंगे तो वो वस्तु गायब हो जाएगी। तो आपने क्या किया, उस मैटर से एनर्जी को निकाल दिया ना। ठीक उसी तरीके से जो हम लोग कुंडलनी जागरण करते हैं ना, कुंडलनी जागरण। तो आपकी क्या थी यहाँ पे? एड़ा और पिंगला थी, एड़ा और पिंगला।
ये क्या थी? पीड़ा, मेंटल एनर्जी। पिंगला क्या थी? वाइटल एनर्जी या चित प्राण शक्ति, ये हो गई चित्त शक्ति। हम लोग हठयोग का उद्देश्य क्या था? इन दोनों को एक फ्लो में चलाना, ईड़ा और पिंगला साथ चले ना, ये कभी भी साथ नहीं चलती है ना। उसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारा उद्देश्य क्या था? इसी चीज को साथ चलाना। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी हठयोगिक टेक्स्ट थे, जो नए वाले हैं, जैसे गेरंट संहिता हुआ, हठ प्रदीपिका हुआ, हठ रत्नावली हुआ, इनमें कहीं पे भी आपको ज्यादा सत्य अहिंसा ऐसी चीजों को फॉलो करने के लिए नहीं बताया गया था ना। वहां पे डायरेक्टली आसन और सत्कर्म से सीधा अभ्यास शुरू होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि अगर आप योग सूत्र पढ़ें या जैन दर्शन पढ़ें ना, तो वहां पे क्या बोला गया कि आप अहिंसा पालन करो, आप सत्य बोलो। लेकिन जिस हिसाब से हमारा समाज अभी बदल रहा है, अगर हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली सत्य का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, तो हो सकता है कि एक समय के बाद ना, जैसे आप बैठ रहे हैं आज के टाइम पीरियड पे, आप कभी भी इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप असाइलम जाएंगे, जब आप किसी पागल खाने जाएंगे, तो जो वहां पे, ऐसा रिसर्च बताता है कि जो वहां पे लोग मिलते हैं वो ज्यादातर रिलीजियस पीपल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सट्रीमली लेवल का वो चीज प्रैक्टिस किया है ना। जैसे आप चारों कि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल का अहिंसा पालन करूंगा, हर चीज, हर वक्त आपको ये ख्याल रहेगा कि मैं कहीं चल रहा हूं तो कोई कीड़ा तो नहीं मर रहा है, कहीं गलती से मर गया तो क्या होगा, कहीं खा रहा हूं तो कीड़ा ना चला जाए ना। तो ये चीज जब बार 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 आप सोचेंगे, तो क्या होगी कि जो आपकी मेंटल एनर्जी है या चित्त शक्ति है, इसमें प्राण का संचार ज्यादा होगा, और ये फिर क्या होगी, एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी, आपकी ईड़ा और पिंगला इम्बैलेंस हो जाएगी। और यही चीज जो हठयोग क्या कहता है, हठयोग क्या कहता है कि आप वो चीज प्रैक्टिस मत करो, आप क्या करो, इन दोनों को बैलेंस करने का प्रैक्टिस करो। और जब ये ईड़ा और पिंगला बैलेंस होगी, तो वो चीज खुद ब खुद, हाँ, जैसे ही आप सत्कर्म करोगे शोधन हो जाएगा, आसन करोगे प्राणायाम करोगे तो स्थिरता, धीरता, लघुता आती जाएगी, उसके बाद खुद आप ध्यान प्रत्यक्ष निर्लिप्तम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है, ये आगे भी बताया जाएगा ना। जो हम लोग न्यूरोसिस देखे ना, न्यूरोसिस अभी जो हम लोग देखे थे, साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर, न्यूरोसिस क्या था? यही चीज, एक्सट्रीम लेवल का जब आप अहिंसा पालन करते हैं, सत्य पालन करते हैं, यू विल स्टार्ट और यू विल गो थ्रू दैट डिसऑर्डर, न्यूरोसिस ना। एग्जैक्टली यही चीज होता है न्यूरोसिस में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हर चीज में क्या है, आपका ईश्वर का वास है। फिर आगे क्या बोला गया, हाँ, ओम ईशा वाशमिदं सर्वम, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आगे इसी में बोला गया ना, यत किंचित जगत्याम जगत, पूरे जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर का वास है। और फिर आगे क्या बोला गया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनको क्या करो आप, त्याग पूर्वक ना, उसमें आसक्त नहीं रहो। जैसे आप कुछ भी अक्वायर करते हो, लेट से आपने बहुत धन अर्जन किया, मान लो आपके पास करीब 10 लाख 50 लाख की लॉटरी लग गई, ठीक है, अब आप उसमें इतने आसक्त होते हैं कि लेट से अगर आप आ रहे हो पैसा लेकर के और वो चोरी हो जाए, तो हो सकता है आप शौक से मर जाओगे ना, क्योंकि आपने उसमें आसक्त हो गए। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग दैनिक दिनचर्या में भी ये चीज देखते हैं ना, कि अगर हम लोग को कोई चीज बहुत पसंद आती है, तो हम लोग चाहते हैं वो चीज हम लोग बार बार प्रैक्टिस करें, और वो चीज अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप आसक्त हो गए। तो यहाँ पे भी आपको भोग करने के लिए मना नहीं किया गया ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, आप उसको भोग करो, लेकिन क्या ना करो, उसमें आसक्त नहीं रहो। मा गृधा कस स्विद धनम, तो जो भी भोग पदार्थ है वो किसी का नहीं है, आप उसको भोग करो लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहो किसी भी तरह का ना। तो यहाँ पे इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो क्या बोला गया कि संपूर्ण विश्व ईश्वर से परिपूर्ण है ना, पूरा विश्व ईश्वर से परिपूर्ण है, इसलिए अनासक्त भाव से, उसमें आसक्त नहीं रहना है, भाव से ईश्वर की भावना को रखते हुए ना, कि हम पहले ही बता दिया संपूर्ण विश्व में क्या है, ईश्वर का वास है, और उस चीज को आप भोग रहे हो ईश्वर की कृपा से, इसलिए उसमें आसक्त नहीं रहो। संसार को भोग करें, मतलब सब चीज का भोग करें, पर किसी दूसरे के भोग के पदार्थों के प्रति लोलुपता, आसक्ति अपने मन में नहीं रहने दे ना, ना आने दे। पूरा सार बोल दिया गीता का, यही गीता कहती है। अब यहीं पे फिर कर्म की भी बात करेंगे ना, क्या बोला गया,
कुर्वन्नेह कर्माणि जी जी विशेष सतत समा एवं त्वयि न अन्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो पहले जो बात बोला उसी को उसी का एक और लाइन आगे बोल दिया। पहले क्या बोला गया कि आप हर एक चीज को भोग करो लेकिन उसमें आसक्त नहीं करो। और जब आप इस तरीके से क्या करते हैं कर्म को करते हैं किस तरीके से जैसा पहले मंत्र में बताया गया कुर्वन्नेव कर्माणि इस तरीके से जब आप कर्म को करते हैं जी जी विशेष सततम समा तो आप क्या करते हैं तो आप 100 वर्ष की 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कैसा करने से जो पहले बिना आसक्त किसी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म को करके आप 100 वर्ष की जीने की इच्छा करते हैं। और ये 100 वर्ष वही है ना 25 25 25 ब्रह्मचर्य गृहस्थ अरण्य और संन्यास। और इस प्रकार जब आप करते हैं और ये कर्म की बात जब यहाँ पे की ना तो ये वही कर्म हो गए जिसको गीता में हम लोग क्या बोलते हैं निष्काम कर्म। योग सूत्र में क्या बोलते हैं पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं ना बताइए अशुक्ल अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। तो और अलग कृष्ण अलग कर्म कर्मों में वही चीजों को अलग अलग तरीके से बताई गई है। बात सारी कुल मिलाकर वही चीज सेम है कर्म करें लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो तो फिर क्या होता है वो कर्म आपको बांधता नहीं है। हाँ ये गीता का सार है। तो इस प्रकार जब आप कर्म करते हैं एवं त्वयि न अन्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और जब आप उस प्रकार कर्म करते हैं जैसा आपको बताया गया बिना आसक्ति के तब आपको वो कर्म क्या होता है बांधता नहीं है। मतलब आप अगर सारे उन संचित या उन कर्मों को ना प्रारब्ध कर्मों को खत्म इसी तरीके से किया जा सकता है जैसे आपके कुछ कर्म बचे थे आपने फिर जन्म लिए और अगर फिर से आप वही चीज करेंगे तब तो वो बांधेगा। लेकिन अगर आप बिना लिप्त किए बिना उन कर्मों में आसक्त रहे कर्म को करते हैं तो फिर वो आपको बांधता नहीं है ना। क्या बोला गया कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। कैसा कर्म निष्काम कर्म। और इस तरह कर्म करने से कर्मों का ताप नहीं लगेगा मतलब कर्म बांधता नहीं है ना। और किस अभ्यास के करने से कर्म बांधते नहीं है आपको कोई हठ योग में कोई अभ्यास था खेचरी क्या। खेचरी सर्वत्र बहुत बढ़िया खेचरी मुद्रा ये बात याद रखिएगा ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको 3 4 बार याद कराया था खेचरी। ओके तो ये कर्मों का ताप या कर्म आपको बांधते नहीं है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मार्ग है। और ये एक तरीके से कर्म योग की जो कर्म योग की हम लोग बात करते हैं उसी कर्म योग की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आगे क्या बोला गया तृतीय मंत्र में ये 2 तक क्लियर है ना सभी को। यस सर यस सर बढ़िया। अब क्या बोला गया असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मनो जना। अब ये भी उसी से रिलेटेड है ना। क्या बोला गया कि जो लोग आत्मा की हत्या करते हैं ना आत्मा की हत्या आत्महत्या से आत्महत्या भी ठीक है लेकिन अगर आपको सब कुछ पता है जैसे आप जानते हो ना पहले कर्म की जो बात कर गई कर्म की बात की गई कैसा कर्म करना चाहिए निष्काम कर्म की ना तो ये बांधते नहीं है। लेकिन जब आप वैसे कर्म करते हो कैसा कर्म कृष्ण कर्म बोलिए या शुक्ल कर्म बोलिए या वैसे कर्म आप करते हैं तो आपको वो कर्म बांधता है। और जब आप वैसे कर्म करते हैं तो क्या होता है आप असुरिया ना आप वैसे लोक में जाएंगे कहाँ असुरों के लोक में जाते हैं। और असुरिया नाम तेलों का अंधेन तमसा वृता जहाँ की बहुत अंधकार हाँ घना अंधकार अंधकार पूर्ण जगह पे आप चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है बार बार ना तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति तो आप उस तरीके के कर्म करते रहेंगे जैसा पहले बताया गया आप कृष्ण कर्म शुक्ल कर्म करते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि बार बार वो कर्म बांधेगा। और आप प्रत्याभिगच्छन्ति आप बार बार क्या करेंगे उस योनि को ना विभिन्न विभिन्न योनि में पूरे 84 लाख योनि में आप क्या करेंगे भटकते रहेंगे ना मृत्यु पर्यंत या मृत्यु उपरांत आप उन योनियों में जन्म लेते रहेंगे। तो ये तीनों मंत्र एक तरीके से आप इंटर रिलेटेड थे ना। यहाँ पे केवल बोल दिया गया कि आत्महत्या करने वाले ना ये सुसाइड भी है लेकिन आत्महत्या मेनली वही चीज हो गया ना जब आप कर्मों को जैसा बताया गया वैसा नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होता है उन मनुष्यों को मृत्यु के बाद किन मनुष्यों को जिन्होंने निष्काम कर्म नहीं किया
उनको क्या करता है, वो आसुरी लोक को जाते हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा ना, आसुरी लोक जो अंधकारपूर्ण लोक है, बस ये याद रखिएगा कि आत्मा की हत्या या आत्महनन करने वाले लोग आसुरी लोक को जाते हैं। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किस लोक को प्राप्त होते हैं, तो आसुरी लोक को। अब आगे क्या कहा गया, अनेज देकम मनसो जीवयो नयन द्वे द्वया आप्युन्वन पूर्वम वर्षेत। अब यहाँ पे उस ब्रह्म की बोलिए या उस ईश्वर की बोलिए, एक तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, अचल है, जो नहीं चलता भी है और चलता भी है, और चलेगा तो बहुत तेज चलेगा और नहीं चलेगा तो बिल्कुल अचल रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए आत्मा क्या है, आत्मा बोलिए या ईश्वर बोलिए, हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ज्यादा शूट करेगा, ग्रंथकार ने आत्मा लिखा, और आत्मा ही बहुत जगह है ना, वैसे आत्मा बोलिए या ईश्वर बोलिए बात एक ही है। तो आत्मा क्या है, अचल है, लेकिन यह मन से भी तीव्र है। तो यह इसकी एक तरीके से इसके बारे में बता दिया गया ना, इसकी क्वालिटी बता दी गई ईश्वर की बोलिए, कि जब ये सब जगह है ना, अभी पहले क्या बोला, सबसे पहला श्लोक में ईशावास्य मृदम सर्वम, जब ये सभी जगह पे है तो जाहिर सी बात है कि यह अचल है और ये मन से भी तीव्र है। तो मन से भी तीव्र मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों एक ही समय में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मन से भी तेज है ना। आगे फिर क्या कहा गया, इंद्रियां आदि देवताओं की गति वहां तक नहीं है ना। तो यहाँ पे जो बोला गया ना कि नैन देवा आप्युवन पूर्वम अर्षत, तो इंद्रिया आदि जो देवता है या इंद्र बोलिए या इंद्रियां बोलिए, वहां तक उनकी गति वहां तक नहीं है ना, ईश्वर तक आत्मा तक उनकी गति नहीं है, यह अचल रहते हुए भी अपना पीछा करने वाले से तेज भागती है, उसी की व्याप्तता के कारण वायु जल आदि अपनी क्रियाओं का संपादन करते हैं ना। ये उसी ब्रह्म उसी एनर्जी उसी आत्म तत्व की बात कर रहा है जो सब जगह व्याप्त है ना, या पंच तत्वों में अपने या पंच तत्वों को अपने में धारण करती है, जैसे समुद्र में जल। और हम लोगों ने पहले इसको देखा भी था ना कि परमात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्म की संख्या वही वह ब्रह्म हुआ, परमात्मा हुआ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, फिर यहां से इसकी तन्मात्राएं, उसे पूरा शरीर। तो क्या पता चला, और हम लोगों ने देखा था ना कि जो आकाश का गुण है वो जल में भी था, जो आकाश का गुण है वो इसमें भी था, आकाश का गुण इसमें भी था, इसमें भी था। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उसी की व्यापकता, यहाँ पे जो बोला है ना कि उसी की व्याप्तता के कारण वायु जल आदि अपनी क्रियाओं को संपादन करते हैं, क्योंकि ये चीज इसी से उत्पन्न हुई। हम लोग इस चीज को पहले भी पढ़े और आगे पहले श्लोक में बता भी दिया गया ना कि ईश्वर का वास सब में है। तो यहाँ से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चीज भी आपको दिखाई देता है या आप महसूस कर सकते हो, उसमें क्या है, ईश्वर का वास है, इसलिए वही सब चीज को क्या करता है, उस चीज का संपादन करता है, चाहे वो जल हो अग्नि हो या समुद्र में जल हो ना। ये पहले श्लोक से ही आप सारे को रिलेट कर सकते हैं। ओके अगला क्या बोला गया, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके। अब क्या बोला गया कि वह चलता भी है, जैसे अचल देखा ना, तो ये क्या है, वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है ना, अलग अलग कीजिएगा। तो यहाँ तत् तत् और फिर ए जति एक साथ हो जाता है ना, तो वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और अत्यंत समीप भी है ना। तद्दूरे मतलब वह तत् दूरे वो बहुत दूर है, और तद्वंति के वह बहुत समीप भी है ना, नजदीक भी है। तदंतरस्य वह क्या है, अंतरस्य अंदर भी है, सर्वस्य वह सब जगह है, तदु सर्वास्य बाह्य वह बाहर भी है। हाँ, और पहले ही बोल दिया ईशावास्यमिदं सर्वम, वह सब जगह है, इसलिए वो क्या है, तदे जति तन्नय जति, वह क्या है, चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है, वह दूर भी है वह पास भी है, वह अंदर भी है वह बाहर भी है। हाँ, यही चीज बोला था ना प्रहलाद ने कि वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर में भी है, वो इस खंभे में भी है ना, उसी ब्रह्म की उसी ईश्वर की उसी एनर्जी की उसी परमात्मा की उसी आत्मा की, वो सभी चीजों की बात की जा रही है ना। इसलिए ये उपनिषद बहुत बहुत प्यारा उपनिषद है ना, पूरे गीता का सार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर है ये मंत्र सभी को?
आइए अगले मंत्रों में चलते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यस्तु सर्वानि भूतान्य, या यस्तु सर्वानि भूतानि, फिर भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्त तस्य। अच्छा इसका हिंदी तो देखा ही नहीं। हाँ ये देखिए ना, ये मंत्र में आत्मा की क्षमता के बारे में कहा जा रहा है। वो क्या है, चलती भी है और वह नहीं भी चलती, रुकी भी, वह बहुत दूर भी है, वह बहुत समीप भी है, वह संपूर्ण जगत के भीतर और बाहर व्याप्त है, सभी जगह है, सभी उसका प्रेजेंस सब जगह है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, यस्तु सर्वानी, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसमें क्या है, वो भूतान्य आत्म भूतानी, वह सभी भूतों में है, कौन, वही ब्रह्म, वही ईश्वर। और जो ऐसा देखता है ना, कि जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है, ये एकदम गीता वाली लाइन है, मंत्रों में थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन थीम पूरा वही है ना, कि जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा के ही दर्शन करता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है ना। इसी चीज को जब आप गीता में देखेंगे, गीता में इस चीज को क्या बताया गया, आत्मभाव। थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ, आत्मभाव क्या होता है, कि जैसे आप आपके लेट्स से आपकी किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे ना, जैसे आप कहीं से जा रहे हैं और वहां पे एक एक्सीडेंट देखे, आप उसको नहीं जान रहे, लेकिन आपको क्या होता है, हल्का सा तकलीफ होता है, अरे यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर आपके वो थोड़ा दूर का रिश्तेदार हुआ तो आपको थोड़ा सा ज्यादा खराब लगता है, अरे नहीं होना चाहिए था। अगर आपके करीबी रिश्तेदार में होता है तो आपको और ज्यादा बुरा लगता है ना, कि यार नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ, मेरे फैमिली के साथ ऐसा हो गया ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप उनको अलग दृष्टिकोण से देखे, उनको अलग दृष्टिकोण से, और जब आपके बहुत करीबी हैं उनको अलग दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समभाव नहीं है ना, इनके लिए अलग भाव थी, इनके लिए अलग थी, और आपको अपने परिजन के लिए अलग भाव। लेकिन क्या होता है, जब आप सब प्राणियों में, इसको भी आप अपना माने, इसको भी आप अपना माने, इसको भी आप अपना माने, तो आपको एक जैसा गम होगा, जितना उस सड़क पे गिरा हुआ व्यक्ति था जितना इसमें गम हुआ, उतना भी आपको यहाँ पे गम होगा। और जब आप ऐसा करते हैं ना, जो मनुष्य समस्त प्राणियों में प्राणियों को आत्मा में देखते हैं ना, आप इसमें भी वही आत्मा देख रहे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा के दर्शन करता है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कही, और ये बहुत प्रैक्टिकल है ना, कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, वो एक कुत्ते में भी उसी आत्मा को देख रहा है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम्, आप सभी में उसी चीज, उसी ईश्वर को देख रहे हैं, तो वैसा पुरुष किसी से घृणा नहीं कर सकता है। और इसका अगला लाइन फिर क्या बोला गया, कि जिस अवस्था में संपूर्ण प्राणियों के आत्मा के ही दर्शन होते हैं ना, उस अवस्था में, किस अवस्था में, इसमें आप उसी आत्मा को देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी उस कुत्ते में भी देख रहे हैं, उस सड़क पे जो गिरा उसमें भी, आप अपने परिवार के उस व्यक्ति में भी देख रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, आत्मा के दर्शन होने लगते, उस स्थिति में क्या होता है, मोह और शोक की समाप्ति हो जाती है ना, मोह और शोक की समाप्ति हो जाती है। और गीता में योग का डेफिनेशन क्या बताया गया है, बताइए जल्दी से, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, यही योग है, एग्जैक्टली यही वर्ड है ना, कि मोह और शोक, आपको वो चीज, मोह और शोक ये परेशान नहीं करेगी, आप डुअलिटी से कट गए। और उसी को क्या बोला गया है, समत्वम योग उच्यते गीता में। और जो आत्मभाव, यहाँ पे जो आत्मभाव की बात करते हैं, ये गीता का जब छठा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान योग, तो वहां पे आपको ये आत्मभाव मिलेगा। और वहां पे मैं इतने बेहतर तरीके से इलेबोरेट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत रिकॉल करा दूंगा कि हम लोग ईशावास्य में इसको पढ़े थे। मंत्रों को हम लोग कल देख लेंगे, यहाँ पे कुछ और क्वालिटीज लिखी हुई है उस ईश्वर की, इसको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन जितना सार मैं बताया इसको आप जरूर याद रखिएगा, तभी आगे उपनिषद में मजा आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में ये स्टार्टिंग यही से एक एक लाइन बताई गई है। और गीता का बिल्कुल, आप जब गीता पढ़ेंगे ना, लगेगा आप ईशावास्य उपनिषद ही पढ़ रहे हैं। और अगर आप एक एक बात मेरे ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे, तो फिर आपको ज्यादा ये रिलेटेबल चीजें लगेगी, और आपको लगेगा कि कितना बेहतर उपनिषद, या कितना बेहतरीन उपनिषद ये ईशावास्य उपनिषद है ना। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। ये मंत्र के हम लोग कल फिर से देखेंगे ना, इन मंत्रों को हम लोग देखेंगे। ये मैंने इसलिए कंटिन्यू कर दिया कि
केवल मीनिंग समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना तो आप उस तरीके से इन तीनों मंत्रों को रिलेट नहीं कर पाते ना जितना अच्छा ये बताया गया। ये आत्मा अंदर भी है बाहर भी है, कितना बढ़िया समझाया। फिर क्या बताया, उसी सारे प्राणियों में आप उसी आत्मा को देखते हैं, और जब आप देखने लगते हैं तो आप क्या होता है, आपके अंदर आत्मभाव होता है, और फिर आप किसी से घृणा नहीं करते। और जब आप घृणा नहीं करते तो क्या होता है, आपका मोह और शोक समाप्त हो जाता है। और यही इसी चीज को हम लोग समत्वम योग उच्चते बोलते हैं, या योगश्चित्त वृत्ति निरोधा बोल दिए, या इड़ और पिंगला का बोल दिए ना, ये सारी चीज एक जैसा हो गया। केवल कुंभक बोल दिए ना, वैसी स्थिति में केवल कुंभक लगेगी तो आपको बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब आप इनडायरेक्टली उन सारी चीजों से परे हो जाते हैं ना, मोह और सुख से। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से इंटर रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।